ज्ञानस्थली बोधगया के ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में एकल अभियान के तहत अभ्युदय यूथ क्लब दक्षिण बिहार संभाल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हंसराज पब्लिक स्कूल के निदेशक मनीष रुखियाल, मुख्य अतिथि नांगजे दोरजी, विशिष्ट अतिथि संजय कुमार सिंह, अति विशिष्ट अतिथि देवनाथ मेहवार, राष्ट्रीय संयोजक संतोष शुले ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभाग अध्यक्ष भोला मिश्रा ने की। भोला मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बच्चों में प्रतिभा की खोज करना, ताकि आज के बच्चे खेल कूद में आगे बढ़कर देश और समाज का नाम रोशन करें, अपने प्रतिभा को लोगों को दिखा सकें, जिससे उन्हें देश विदेश में मान सम्मान मिल सके। वहीं उद्घाटनकर्ता मनीष रुखियार ने कहा कि जिस बच्चों को आज तक मंच नहीं मिला है, किसी तरह का कोई मौका नहीं मिला, वैसे बच्चों को अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा मौके देते हुए अवसर दिया जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एकल संस्था के द्वारा दक्षिण बिहार में और झारखंड से भी बच्चे हैं, दक्षिण बिहार के सारे गांव-गांव के बच्चे को 6 महीने से ये लोग तैयारी करा रहे थे और खेल कूद का आयोजन गांव स्तर पे चल रहा था। आज सभी गांव स्तर से जितने भी फाइनलिस्ट हुए वे लोग आज कालचक्र के मैदान बोधगया में फाइनल के लिए आए, और ये बच्चे जो फाइनल में जीतेंगे वो लखनऊ के लिए जाएंगे। मैं एकल संस्था को इस तरह की जो ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिससे कि बच्चों में मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक का विकास हो रहा है, समुचित ढंग से हो रहा है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। और इनका जो प्रयास है, जो गांव के घर घर में जाकर बच्चों का शिक्षा, मैं करीबन 35 सालों से शिक्षा के जगत से जुड़ा हुआ हूं, और मैं शिक्षा की हर नीति को, शिक्षा के हर दिशा को मैं बखूबी समझता हूँ। गाँव के बच्चे जो अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, एकल संस्था उन बच्चों को शिक्षा का जो आयाम दे रहा है, जो मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं एकल संस्था के सभी लोगों को, जितने भी जिस स्तर पे हों और जिस बिहार लेवल पे हों, चाहे वो इंडिया लेवल पे हों, मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों का, जो गाँव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन सभी को एक छत में एक जगह लाकर समुचित ढंग से विकास की ओर ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मापदंड है। और मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का प्रतियोगिता गांव के सारे बच्चों को निकाल कर शहर की ओर ले जाकर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय की ओर ले जाकर ये उस पर बच्चों को समुचित विकास करें। धन्यवाद। अभियान जो है, पहले भी प्रतियोगिता करती थी ब्लॉक स्तर पर, इस बार जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको करने की योजना बनी, देश स्तर पर, और उसमें अभ्युदय यूथ क्लब के नाम पर हम लोगों ने पहले, सबसे पहले गांव गांव में हम लोगों ने खिलाड़ी चयन किया। देश के लगभग 1 लाख गाँव में, 1 लाख गाँव में हम लोगों ने खिलाड़ी को, हर गांव से 32 खिलाड़ी, ऐसे लगभग 32 लाख खिलाड़ी इस इवेंट में भाग लिए हैं। सबसे पहले ग्राम स्तर पर जो निकले, और फिर ब्लॉक स्तर पर उनका प्रतियोगिताएँ हुआ, फिर जिला में हुआ, और आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं ये प्रांत का स्वरूप है, जिसको हम संभाग बोलते हैं। इसमें 10 जिला के लोग आए थे, 32। और इसके बाद जो आज जो प्रतियोगिताएँ हुई हैं उसमें जो खिलाड़ी चयनित हुए हैं, विजयी हुए हैं, वो सारे प्रथम, जो प्रथम करेंगे वो नेशनल लेवल पर जाएंगे अभी लखनऊ खेलने के लिए। आपको जान के खुशी होगी, हम लोगों ने जो खेल लिया इसमें एक भी खेल ऐसा नहीं है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा, बिल्कुल ग्रामीण बिना पैसे का खेल, जैसे कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, दौड़ हो गया, कूद हो गया, और सबको समान अवसर। हम लोगों ने उस ग्रुप, दो ग्रुपों में बांटा, उसको शिशु वर्ग और बाल वर्ग, एक 6 से 10 साल का ग्रुप बनाया और एक 10 से 14 साल का ग्रुप बनाया, उस वर्ग के खिलाड़ियों को बराबर अवसर देते हुए, और फिर धीरे धीरे हर स्टेज पर आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। आने वाले समय में यह जो आयोजन है आप देखिएगा, भारत जो आज ओलंपिक में या विश्व मंच पर पीछे दिखाई पड़ता है, 5-10 सालों में ही एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मट्टी से जुड़े हुए हैं, वो एकदम कच्चा आहार खाते हैं,
वो गांव का गाय का दूध पीते हैं और उस प्रकार के अनाज खा के आए हैं। अभी जो आप देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी जाते हैं वो ब्रेड खा करके बिस्कुट खा के खेलने वाले बच्चे अधिक निकल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं और ये सब खेलते हैं। लेकिन आप आगे भी देखते हुएगा ओलंपिक में जो बच्चा आ रहा है गाँव का आ रहा है, उसी प्रकार यदि हम इन बच्चों को सही अवसर प्रदान करेंगे तो वो जरूर देश का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम में कितने बच्चे शामिल हैं? आज के कार्यक्रम में आपको 10 जिला से बच्चे आए थे, हर जिला से 32 बच्चे आए थे, यानी 320 बच्चे जो हैं सो आज के कार्यक्रम में भाग लिए हैं सभी इवेंट में। परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सोले हुआ। अभी हम इसके जो अपना जो खेल कूद कार्यक्रम चल रहा है, समारोह चल रहा है, इसके राष्ट्रीय कन्वेनर है और हम हमारा प्रभाव सभी जगह चल रहा है, यहाँ भी आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपने देखा कि भारी गर्मी के बीच भी हम लोग का उत्साह कमा, बच्चों का उत्साह नहीं कमा और यहाँ के आयोजकों का उत्साह भी नहीं कमा है। इसके लिए